आज का हमारा लेक्चर नंबर है 23 और ये सेकंड ईयर साइंस और बीएससी 2 के स्टूडेंट्स के इस्तेमाल में आ सकता है। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि किस कंडीशन पर अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन और किस कंडीशन में एलिमिनेशन होते हैं। अच्छा, किस कंडीशन पर होते हैं, यह सवाल है सेकंड ईयर केमिस्ट्री का, और क्यों होते हैं, इसमें फिर बीएससी फाइनल शामिल हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड या मोनो हेलो अल्केन कहलाते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब यह बात आपको याद रखनी है कि अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हो अल्कोहलिक पोटाश के साथ, पोटाश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर यह सॉल्यूशन पानी में बनाया जाए यानी एक्वस, तो यह बात याद रखनी है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को याद रखनी है। अल्काइल हैलाइड का जब अल्कोहलिक एक्वस पोटाश के साथ रिएक्शन हो एक्वस यानी पानी में, तो सब्स्टिट्यूशन होती है, और अगर अल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन होती है। एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन। अल्कोहल मसलन इथेनॉल। अब आप देखिए जब एक्वस होगा पानी में तो क्या होगा, मैंने बताया आपको सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, यहां से X निकलेगा और उसकी जगह पर OH आ जाएगा यानी अल्कोहल बन जाएगा अगर एक्वस हो। अच्छा, और अगर अल्कोहलिक हो तो मैंने कहा आपको कि अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है, इसमें अल्फा कार्बन से तो निकलता है एक्स और बराबर वाले बीटा कार्बन से, बराबर वाले बीटा कार्बन से एच निकलता है यानी एलिमिनेशन होती है यानी अल्कीन बनती है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर अल्काइल हैलाइड को एक्वस पोटाश से रिएक्ट करें तो सब्स्टिट्यूशन होगी जिसमें अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहलिक पोटाश से रिएक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन होगी जिसमें अल्कीन बनेगा। एक एग्जांपल और इसकी देते हैं, जैसे आप ये बात जानते हैं कि ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये अल्काइल हैलाइड है, इसको अगर रिएक्ट करें KOH के साथ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक्वस हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी, और अगर अल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन होगी। एक्वस में क्या होगा, OH जाएगा यहां से Cl को रिप्लेस कर देगा यानी टर्शरी, और यू बनता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और जब यही रिएक्शन अल्कोहलिक में किया तो ये मैंने बताया अल्फा कार्बन, क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा ये अल्फा कार्बन होगा,
और उसके बराबर वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा, बीटा ये भी है ये भी है ये भी है, अब मर्जी है आपकी क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, अब आपकी मर्जी है चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे यहां से निकालें, मर्जी है एच और एलिमिनेशन कर दें, यानी 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 डबल बॉन्ड बन जाएगा और यूं ये 2-methyl-1-propene बनेगा। एक्वस में सब्स्टिट्यूशन हो गई, अल्कोहलिक में एलिमिनेशन हो गई। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को तो बस यहीं तक समझना है, लेकिन अगर यही बात और आगे बढ़ाई जाए बीएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एक बात तो ये सुनेंगे कि अगर बीटा कार्बन तो हो लेकिन वो डिफरेंट हो, अल्काइल हैलाइड है इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, ये अल्फा कार्बन है, बराबर में दोनों कार्बन जो हैं ये बीटा है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि KOH अगर हो, KOH अगर हो एक्वस एक्वस, तो मैंने क्या कहा सब्स्टिट्यूशन होगी, कैसे, यहां से Cl निकलेगा और इसकी जगह पर OH आ जाएगा, यानी यानी 2-butanol बन जाएगा। अच्छा, और अगर ये अल्कोहलिक हो तो अभी बताया आपको कि एलिमिनेशन होगी, इसमें अल्फा कार्बन से तो Cl निकलेगा और बीटा कार्बन से H निकलेगा। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई, वो ये कि बीटा कार्बन दो डिफरेंट है, ये CH3 है और ये CH2 है। अगर आपने भी थोड़ी देर पहले देखा हो टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की जो एग्जांपल दी थी उसमें बीटा कार्बन एक जैसे थे, यानी ये मसला नहीं था। या जैसे इसकी एग्जांपल ले लें, यह है 2-क्लोरोप्रोपेन, अगर ये अल्फा है तो बीटा दोनों तरफ एक जैसे हैं, कि प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई कि बीटा ये भी है और ये भी है, अगर इस वाले बीटा कार्बन से निकलेगा तो बनेगा 1-butene और अगर इस वाले बीटा से निकलेगा तो बनेगा 2-butene। अब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं 1-butene और 2-butene। अब सवाल यह है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा माइनर बनेगा। बिल्कुल ये बात वैसे ही है जैसे कि शायद आपको याद हो एडिशन में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम मार्कोनिकोफ रूल पढ़ते थे, फिर दोबारा एक बार किसी क्लास में बता दूंगा, मार्कोनी रूल पढ़ते थे हम, उसमें अगर एडिशन के नतीजे में दो प्रोडक्ट बनते हों एडिशन के नतीजे में तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता था, उसके लिए मार्कोनिकोफ ने एक रूल बताया था, वो था एडिशन के लिए, ये है एलिमिनेशन के लिए कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अभी बात आपको याद रखना है, अगर एलिमिनेशन के नतीजे में एक से ज्यादा किस्म के प्रोडक्ट बनते हों तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, इसके लिए आपको याद करना होगा सिडजफ रूल। इस सूरत में सिडजफ ने एक असूल बताया, क्या बताया, उन्होंने कहा यह बात याद रखें कि अगर अगर डिफरेंट बीटा कार्बन हो तो फेवरेबल बात यह है कि उस बीटा कार्बन से एच निकलता है जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो, हाइड्रोजन की तादाद कम हो यानी वो ज्यादा क्राउडेड हो, ज्यादा घिरा हुआ हो। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन तादाद कम किसमें, इसमें, यानी एच यहां से निकले, तो ऐसी सूरत में प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-butene बनेगा, 2-butene एज अ मेजर प्रोडक्ट।
और ये कहलाता है सिडजफ रूल, अकॉर्डिंग टू सिडजफ रूल मेजर प्रोडक्ट टू ब्यूटीन बनेगा। अच्छा, अब एक आप इससे रिलेटेड एक बात और सुने कि अगर अल्कोहल, जो अल्कोहलिक मीडियम ले रहे हैं अल्कोहल, अगर इसका साइज हो बड़ा, साइज अल्कोहल का साइज बड़ा, मसलन हम ये ले लें अल्कोहल, ये वाला ले लें, यह है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यह टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर आप समझते हो ये इसका साइज बड़ा है, अगर अल्कोहल का साइज हो बड़ा तो ऐसी सूरत में एलिमिनेशन तो होगी, लेकिन ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिडजफ के अपोजिट बनेगा, खिलाफ बनेगा, और सिडजफ के जो अपोजिट प्रोडक्ट बनता है वो कहलाता है, ये बताया था हॉफमैन ने, तो ये कहलाता है हॉफमैन रूल, यानी अगर अल्कोहल का साइज हो बड़ा तो मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन रूल के तहत, हॉफमैन रूल के तहत वन ब्यूटीन बनेगा। यहां तक बात क्लियर हो रही है? अब आखिरी बात कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि एक्वस पोटाश में सब्स्टिट्यूशन होती है, अल्कोहलिक पोटाश में एलिमिनेशन होती है, और अगर अल्कोहल का साइज बड़ा हो तो प्रोडक्ट क्यों सिडजफ के अपोजिट बनता है? यह बीएससी फाइनल में पूछा जाता है। सुने अब बात, अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होंगी या एलिमिनेशन होंगी, ये दो बातों पर डिपेंड करते हैं, अल्काइल हैलाइड की नेचर पर और दूसरा अटैक करने वाले के साइज पर, दो बातों पर डिपेंड करता है, एक अल्काइल हैलाइड की नेचर पर, दूसरा अटैक करने वाले के साइज पर। अगर अगर अल्काइल हैलाइड हो टर्शरी, जिसमें अल्फा कार्बन के तीनों तरफ आर होता है, तो यकीनन अल्फा कार्बन पर अटैक करने वाले का अटैक मुश्किल होगा। इसका मतलब अटैक करने वाला बजाय अल्फा के बीटा पर अटैक कर देगा, यानी एलिमिनेशन को फेवर करेगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन इस बात का कतई मतलब यह नहीं है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होते ही नहीं, होते हैं, क्योंकि दो बातों पर डिपेंड करते हैं ना, अटैक करने वाले के साइज पर भी डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो वो फेवर करेगा एलिमिनेशन, और अगर अल्काइल हैलाइड है प्राइमरी जिसमें अल्फा कार्बन के एक तरफ हैलोजन है, तो इस पर आसानी से ग्रुप अटैक करके सब्स्टिट्यूशन कर देगा। यानी अगर हम यू जाएं टर्शियरी से प्राइमरी तक तो सब्स्टिट्यूशन का चांस बढ़ेगा, और अगर यू जाएं प्राइमरी से टर्शियरी तक तो एलिमिनेशन का चांस बढ़ेगा। यह तो है अल्काइल हैलाइड की नेचर के लिहाज। अब आ जाएं अटैक करने वाले के साइज की बुनियाद, अटैक करने वाले के है इसकी बुनियाद। इसके मैं एक एग्जांपल भी देता हूं कि देखें आपके घर का जो किचन होता है वो घर का फंक्शनल ग्रुप होता है, एक्टिव पार्ट होता है। फर्ज करें वो एक ऐसी जगह पर है जो तीन तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है बंद, तो इसका मतलब वो टर्शियरी है। और अगर वो दो तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है, दो तरफ से खाली है, तो सेकेंडरी है। और अगर वो ऐसी जगह पर मौजूद है कि जिसके सिर्फ एक तरफ दीवार है बाकी तीनों तरफ से खुला हुआ है, तो वो प्राइमरी है। अब अगर आपका किचन है टर्शियरी, यानी तीनों तरफ से वो दीवारों से घिरा हुआ है, तो अटैक करना मुश्किल है। लेकिन
अगर अटैक करने वाले का साइज हो छोटा, इसका मतलब क्या हुआ, साइज छोटा, तो किचन चाहे टर्शियरी ही क्यों ना हो, ग्रुप जाकर अल्फा पर अटैक कर देगा। इसका मतलब अगर अटैक करने वाले का साइज हो छोटा तो चाहे वो टर्शियरी ही क्यों ना हो सब्स्टिट्यूशन कर देता है। केवच का जो सॉल्यूशन है वो हमने लिया पानी में एक्वस, तो क्या हुआ, के अलग हो गया और ओएच अलग हो गया, तो अटैक करने वाला ये था। अच्छा, अगर अटैक करने वाले का साइज हो बड़ा, थोड़ा बड़ा साइज हो, तो अल्फा तक नहीं पहुंच सकेगा, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो बीटा पर अटैक करेगा, फिर वो बीटा पर अटैक करेगा। जैसा कि अभी मैंने कहा केओएच का सॉल्यूशन लिया हमने अल्कोहल में, तो क्या हुआ, इसको मिलने से ये बने C2H5O के पोटेशियम इथॉक्साइड और वाटर। अब अटैक करने वाला कौन है, ये ग्रुप है इथॉक्सी ग्रुप। अब ये साइज हो गया बड़ा, अगर अटैक करने वाले का साइज बड़ा हो तो फिर वो अल्फा तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर वो बीटा पर अटैक करता है, इसलिए एलिमिनेशन, इसलिए ये एलिमिनेशन को फेवर करता है अल्कोहलिक, साइज बड़ा होने की वजह से। साइज हो छोटा तो डायरेक्ट अल्फा पर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। साइज बड़ा हो, इसके एग्जांपल हम देते हैं कैट और उससे पीछे साइज छोटा तो रैट। रैट अगर किचन टर्शियरी में हो तो अल्फा पर अटैक करता है, और कैट अल्फा तक मुश्किल होता तो बीटा पर अटैक करती। अच्छा, अगर अटैक करने का साइज बहुत बड़ा हो तो बीटा तक भी नहीं जा सकता, फिर वो बीटा पर तो अटैक करेगी, फिर बीटा पर भी उस बीटा पर अटैक करेगी जो कम घिरा हुआ होगा, यानी एक साइड पर होगा। जैसा कि अभी हमने हॉफमैन रूल में बताया था कि अगर क्यूएच का सॉल्यूशन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ले रहे थे तो अटैक करने वाला ये हो गया था, ये साइज बड़ा ग्रुप टर्शियरी टॉक्स, तो फिर वैसी सूरत में एलिमिनेशन को, और एलिमिनेशन में भी सिर्फ के अपोजिट फेवर कर रहा था। चले जी, पूरी बात मुकम्मल हो गई। अल्काइल हैलाइड एक्वस पोटाश में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अल्कोहलिक पोटाश में एलिमिनेशन करते हैं। अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी दो बातों पर डिपेंड करती है, एक अल्काइल हैलाइड की नेचर पर और दूसरा अटैक करने वाले के साइज पर। अगर अल्काइल हैलाइड हो टर्शियरी तो एलिमिनेशन को फेवर करता है, और प्राइमरी हो तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर साइज वो छोटा अटैक करने वाले का साइज, जैसे कि एक्वस पोटाश में दिखवाया, तो ऐसी सूरत में वो सब्स्टिट्यूशन करता है, और अगर अल्कोहलिक हो तो एलिमिनेशन करता है। अगर अल्कोहल का साइज छोटा हो तो प्रोडक्ट सिट्रिजर्व रूल के तहत बनता है, अटैक करने वाले का साइज बड़ा हो तो प्रोडक्ट सिट्रिजर्व के अपोजिट बनता है, यानी हॉफमैन रूल के तहत बनता है, हॉफमैन रूल एंटी सिट्रिजर्व रूल कहलाता है। क्लियर हो गया, तक बात, ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करते हैं।